जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हमले जारी। अरनिया सेक्टर में दागे मोर्टार, पाकिस्तान की गोलीबारी में 8 महीने की बच्ची की मौत। पाकिस्तान की गोलीबारी पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले हमारा पड़ोसी देश शांति का दिखावा करता है लेकिन शांति नहीं चाहता। कर्नाटक में मंत्री पद के बंटवारे पर बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, स्पीकर चुनाव और फ्लोर टेस्ट पहले, मंत्रियों पर चर्चा बाद में। कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री को लेकर फंसा पेच, मुस्लिम संगठन की ओर से किसी मुसलमान को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग, लिंगायतों ने भी उठाई है मांग। बेंगलुरु में आज कांग्रेस जेडीएस विधायकों की संयुक्त बैठक, कैबिनेट पर होगी चर्चा, कल सीएम पद की शपथ लेंगे कुमारस्वामी। कर्नाटक में कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे अखिलेश और मायावती, पहली बार सार्वजनिक मंच करेंगे साझा, कल स्वामी ने दिया था निमंत्रण। बीएस येदियुरप्पा ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी, कहा कर्नाटक चुनाव में बहुत घपला हुआ है, सही से जांच हो, हमें मिला है बहुमत। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी, 8वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76 रुपए, मुंबई में 85 के पास पहुंची कीमतें। तेल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, सब्र करे सब अच्छा होगा, सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान तेल कंपनियों के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली के आर्कबिशप अनिल काउटू ने सभी चर्च के सभी पादरियों को लिखा खत, कहा हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर मंडरा रहा है खतरा। उत्तराखंड के जंगलों में पिछले 5 दिनों से आग, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे तक फैली आग की लपटें, वन विभाग ने जताई करोड़ों के नुकसान की आशंका। योगी के मंत्री के बेटे का विवादित बयान, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा लड़कियों को गलत तरीके से छूने वालों का हाथ काट दूंगा। गन्ने की अच्छी फसल के बावजूद पाक से चीनी खरीद रही है सरकार, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बोला हमला, दिग्विजय सिंह बोले पीएम पाक से चीनी खरीद रहे लेकिन गन्ना किसानों के भुगतान की चिंता नहीं। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक, हैकर ने लिखा हैप्पी बर्थडे पूजा, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बूंद बूंद को तरसे लोग, गंदा पानी पीने को मजबूर हुई जनता, सरकार से लगाई मदद की गुहार। अमेरिका ने दी उत्तर कोरिया को धमकी, उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा अगर बातचीत को लेकर रचा षड्यंत्र तो छोड़ेंगे नहीं। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी से मारपीट, आरोपी पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, कार को लेकर हुई थी कहा सुनी। आईपीएल में आज खेला जाएगा पहला क्वालिफायर, आमने सामने होंगी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। आईपीएल के फिनाले में परफॉर्म करेंगे सलमान खान, रेस 3 के गाने पर जैकलीन के साथ देंगे परफॉर्मेंस, 27 को होगा फिनाले। और अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता के साथ करेंगे काम, एक विज्ञापन में नजर आएगी दोनों की जोड़ी, अमिताभ ने तस्वीरें की शेयर।